यूपी में ट्रेन हादसों का सिलसिला जारी है। ताजा मामले में मेरठ से लखनऊ जा रही राजरानी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा रामपुर के पास कोसी में हुआ। इस घटना में जान का नुकसान नहीं हुआ है, पर कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के बाद पुलिस और रेलवे प्रशासन की ओर से राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। रेलवे ने बताया कि इस हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं। क्या शायद आगे पता चल रहा है कि ट्रैक टूटा हुआ था। कितने डिब्बे पलटे हैं? अराउंड 4-5 तो पूरे पलटे हुए हैं, कुछ ही बचे हैं जो नहीं पलटे हैं। और बस ये लास्ट के दो हैं वो हैं जो सेफ हैं, मतलब थोड़े ज्यादा पलटे नहीं। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है? ये मेरठ से लखनऊ। आप कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे थे? मुरादाबाद में पड़ती हूँ, शाहजहानपुर जा रही थी। कितना भी घटना है ये अभी अराउंड 8:30 के करीब। रेलवे अधिकारियों की माने तो इस हादसे में करीब 12 लोग घायल हुए हैं। साथ ही इस हादसे में कोई क्षति नहीं हुई है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भी हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। प्रभु ने कहा कि किसी भी चूक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राजरानी एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने की जाँच के लिए ATS टीम भी घटनास्थल पहुँच चुकी है। ATS टीम ट्रेन दुर्घटना में साजिश की पहलुओं की जाँच करेगी। वही मामले की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है, जिसमें गंभीर रूप से घायल को 50,000 रुपए देने की बात है। यूपी में लगातार ट्रेन हादसों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश में बढ़ती घटनाएं कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन पर ही सवाल खड़ी करती हैं। अब तो जाँच के बाद ही साफ होगा कि ये महज एक हादसा था या फिर साजिश। देखते रहिए DB Live।